हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विमल नागर, आपका एनडीसी मेंटर, रीजनिंग एक्सपर्ट। आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं सीरीज का थर्ड पार्ट। ठीक है, सीरीज का जो चैप्टर है हमारा, सीरीज टॉपिक जो चल रहा था, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने सीरीज के दो टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो सीरीज का डिस्कशन चलने वाला है वो काफी अच्छा चलने वाला है, ऑन द पार्ट ऑफ द लेटर सीरीज एंड द रिपीटिंग लेटर सीरीज। ठीक है, इन दो चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दो स्टार्टिंग के वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल सीरीज पे था पहला वीडियो। ठीक है, और सेकंड जो वीडियो था हमारा वो था रॉन्ग टर्म के ऊपर। ठीक है, दो वीडियोस हम लोग दे चुके हैं आपको अबाउट द सीरीज, और ये मेरा थर्ड वीडियो है यहाँ पर हमारे चैनल पे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एनटीसी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है काफी सारे टॉपिक्स के बेसिक्स जो है कंप्लीट करने में सहायता मिलेगी, और आपको काफी सारी चीजों में यहाँ पे जो है लॉजिक्स पता पड़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करा जा सकता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट टुडे सेशन। सीरीज जो है इसके अंदर दो टाइप के जो है आज हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताया हुआ पहले से, एक लेटर सीरीज होगा, दूसरा होगा रिपीटिंग लेटर सीरीज। ये वाला जो टॉपिक होता है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है, साथ साथ एनटीएससी के कुछ स्टेट्स में क्वेश्चन आता है। इसमें दो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम इस टाइप के। ओके, लेटर सीरीज के ऊपर जो है हम ज्यादातर यहाँ पर तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम डिस्कशन करेंगे इन कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के अंदर। कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के अंदर भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, सो नाउ स्टार्ट द सेशन। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लेटर सीरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे रिपीटिंग लेटर सीरीज या फिर पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न के ऊपर। ठीक है, सो आपके सामने हम स्टार्ट करें डायरेक्ट क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन दिखाइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से, तो एक सीरीज दी हुई है, लेटर्स की सीरीज दी हुई है, बी डी जी आई एन। ठीक है, इस तरीके से सीरीज दी हुई है, तो इन सीरीज को जैसे कि ये आपको सीरीज दी हुई है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट व्हिच विल बी द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म मतलब कि ये वाली टर्म जो क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये सब पूछा जा रहा है डायरेक्टली। ओके, तो अब इसको जब भी ये आपको अल्फाबेटिकल सीरीज या लेटर सीरीज आए, तो आपको आ जाना है आपकी बचपन की बात एबीसीडी के ऊपर। ठीक है, एबीसीडी पर आप पे आ जाना है। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो ए से जेड तक 26 लेटर से ही सॉल्व होंगे यहाँ पर। ठीक है, ए से जेड 26 लेटर से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ तक लिख दिया, ए से लेकर एन तक लेटर्स लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइए, बी बी के बाद आया डी। ठीक है, बी के बाद आ रहा है डी, पहले देखते हैं कैसे यहाँ पे जंप कर रहा है। तो बी के बाद जब डी आ रहा है तो बी से डी पर आया। ठीक है, तो कितने लेटर का जंप हुआ, मतलब बीच में एक लेटर सी यहाँ पे हम लोगों ने मिस कर दिया। ठीक है, सी से सीधा डी पे पहुंच गए, फिर डी से जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे बच्चों, जी पे। ठीक है, तो डी ई एफ। ठीक है, तो दो लेटर्स यहाँ से जब डी से एफ पे गए, ठीक है, तो हमने दो लेटर्स यहाँ पे स्किप कर दिए। ठीक है, मिस कर दिए ई और एफ को। फिर जब जी से आई गए, तो जी से जब हम आई जा रहे हैं, देखिए जी से आई जा रहे हैं, तो हम एक लेटर एच को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो पहले एक किया, फिर दो किया, फिर एक किया, तो अब कितने का टर्न है, तो अगेन आप कहोगे सर दो का टर्न आना चाहिए, बीच में दो मिस होने चाहिए, तो हमारा आई लेटर ये रहा। ठीक है, अब आई से दो लेटर मिस कर ले, तो दो लेटर जे और के होंगे, तो आई से मेरा जो जंपिंग होगी सीधे कहां पर हो जाएगी, एल पर। ठीक है, तो मैं यहां से सीधा जो यहां पर आऊंगा, तो इस लेटर के लिए क्या लिखना चाहिए मेरे को, एल। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन सी रहेगा मेरा आंसर। देखिए पहले एक लेटर का डिफरेंस, फिर दो लेटर का डिफरेंस, फिर एक लेटर का डिफरेंस, फिर दो लेटर का डिफरेंस, मतलब आपको क्या हो रहा है, लेटर्स का इस तरीके से डिफरेंस चल रहा है। काफी जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ यहाँ दो लेटर का डिफरेंस, क्योंकि वो बी से काउंट करते हैं, तो बी से काउंट करते हैं, तो बी और सी कहाँ पहुंच गए, डी के ऊपर। ठीक है, या फिर वो सी डी को काउंट करते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे आपको ऐसे बताया कि कौन से लेटर बीच में छूट रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेटर छूटा हुआ है सी, यहाँ पे दो लेटर छूटे हुए हैं, यहाँ पर एक लेटर मिसिंग हो रहा है। ठीक है, फिर अगेन
एक दो, फिर अगेन कितने का आएगा, टू का आएगा। टू पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम इसी तरीके से देखना है और हमारा जो बेसिक फंडामेंटल रहेगा वो हमारा एबीसीडी रहेगा, ठीक है। हम एबीसीडी के बेसिस पे ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, हो जाना चाहिए। बच्चों को थोड़ा टाइम दो आप, ठीक है, टाइम लेके करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें क्या है, सारी चीजें हमारी एबीसीडी के अंदर ही है। देखिए, हाँ, उम्मीद है सबका आंसर सही से आ रहा होगा, ठीक है। हाँ सर, अच्छा बी आंसर आ रहा होगा काफी का, तो हो सकता है, ठीक है। देखिए एच एल पी टी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो एच से एल पे जाइए, ठीक है। तो एच से हम एल पे गए, तो एच से एल पे जाएंगे तो क्या क्या लेटर यहाँ पर बीच में आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे, एच के बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो ये तीन लेटर यहाँ पे मिड में आएंगे, ठीक है। फिर मैं एल से पी पे जाऊंगा, जे के एल, एल के बाद क्या आना चाहिए, एम एन और ओ, मतलब तीन लेटर मिस होकर फिर पी आ रहा है, ठीक है। पी से मैं जा रहा हूँ टी पे, ठीक है, टी पे जा रहा हूँ, तो पी से टी पे जा रहा हूँ तो क्या तीन लेटर आएंगे, पी के बाद आता है क्यू आर और एस, तो ये तीन लेटर मिस हो रहे हैं, उसके बाद टी आ रहा है। ओके, फिर मैं यहाँ से यहाँ पर एक्स पे जा रहा हूँ, तो टी के बाद क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, ओके, ये तीन लेटर फिर मैंने स्किप कर दिए, मैं सीधा एक्स पे आ गया। तो एक्स के बाद ही मुझे फिर से तीन लेटर स्किप करने पड़ेंगे, तो कौन कौन से होंगे, वाई जेड। सर अब तो लेटर ही खत्म हो गए, अगर आपके लेटर खत्म हो गए तो वापस आप जो है ए से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स से तो वाई जेड, तीन लेटर स्किप ये हो गए, तो कहां पर पहुंच गए आप सीधे, अगर ये तीनों स्किप करेंगे तो कौन सा लेटर आना चाहिए जगह पर, बी लेटर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका एकदम अजम्पशन सही था, बिल्कुल आपने सही सोच रहे थे, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ पर भी हमने डिस्कस किए जिसमें एक सिंगल लेटर दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अल्फाबेटिकल जो हमारा, ठीक है, ऑर्डर है, उसी से चेक करना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस चल रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर जो आपको इस पर कमांड हो पाएगा वो आपकी प्रैक्टिस से हो पाएगी, कि इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। मिनिमम आप मान के चलिए कि आप एक टॉपिक के ऊपर 30 क्वेश्चन तो आप कम से कम करेंगे, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के, तो आपको काफी सारी चीजों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा एग्जाम के अंदर, तब आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन से, ठीक है। जो एनटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कम से कम एक टॉपिक पर 30 क्वेश्चन तो आप करें ही करें। ओके, सो नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखिए सबके सामने, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए हमारे सामने। देखिए सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब देखिए अब क्या हो गया, अब डेंडर हो गया यहाँ पे इस तरीके से, अब डबल सीरीज आ गई हमारे सामने, ठीक है, अब डबल सीरीज आ रही है, देखिए ध्यान समझिए। अब जब भी डबल सीरीज आ रही है तो देखना क्या होता है कि आप ये चेक करिए मेन चीज कि पहले वाले लेटर का जो रिलेशन होगा वो इससे होगा ज्यादातर, ऑटमोस्ट क्वेश्चन के अंदर पहले वाले लेटर का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, इसके फर्स्ट लेटर से, ठीक है। फिर इसका रिलेशन किससे होगा, इसके फर्स्ट लेटर से, ठीक है। फिर इसका रिलेशन किससे होगा, इसके फर्स्ट लेटर से, ठीक है, ये बात समझ लो। फिर जो सेकंड लेटर का रिलेशन होना चाहिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में होगा वो इसके सेकंड लेटर से होगा, फिर इसके सेकंड लेटर का इससे होना था, फिर इसका इससे होने का, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखो कि अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले इनको डिवाइड कर लो दो सीरीज के अंदर, ए एल डब्ल्यू एंड ए एल डब्ल्यू एंड एम, सॉरी एच, ए L, W और H, ठीक है, इनकी पोजीशन देख लो। तो A अल्फाबेटिकल में कहाँ पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। L कितने नंबर पे आता है, तो L की पोजीशन है 12, ठीक है। और हमारा W कितने नंबर पे आता है, तो W की पोजीशन कितनी होगी, W X Y Z, ठीक है। तो W X Y Z 23, 24, 25, 26, मतलब ये 23 पोजीशन पे आता है, ठीक है, कितने का आता है हमारा, ठीक है, 23 पे। फिर H देखो, तो H जो आता है वो 8 पोजीशन पे, एबीसीडी के अंदर, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही पोजीशन इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए की पोजीशन ये आ रही है क्या, के आती है 11, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है,
जैसे एबीसीडी में कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी फिक्सिंग होती है, ई जो टे, तो एलिफेंट जो वाला ई है इसकी फिक्सिंग होती है, इसकी पोजीशन फिफ्थ होती है, ठीक है। जी की जो पोजीशन होती है वो टेन होती है, ओ की होती है 15 और टी की होती है टी 20 और वाई की होगी आपकी 25, ठीक है। ठीक है, वैसे जैसे के होता है, और के से जैसे हम लोगों की जो टीम है किंग्स 11, ठीक है, तो के से किंग्स 11 को भी याद रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हैं। तो अब हमारे पास जो है ए एन डब्ल्यू एच, ठीक है, ये लेटर है, तो ए हमारा आ गया इसमें। तो देखो अब आपकी जे के बाद आता है के और के के बाद आता है एन, ठीक है। तो के की पोजीशन होती है 11 और एन की पोजीशन होती है हमारी 12, ठीक है। इस तरीके से हमारी पोजीशन चलती है यहाँ पर। और डब्ल्यू की पोजीशन है हमारी 23, बताया है आपको, 26, 25, 24 और 23, ठीक है। तो ए एन डब्ल्यू एच, अब इनके बीच में जो लेटर्स चल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने का डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको इनमें 11-11 का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। कितने का दिखेगा? 11-11 का, क्योंकि आप एक चीज देखो यहाँ से यहाँ तक पे गए, 11 प्लस करा तो 12 हो गया, 12 में 11 प्लस करो तो 23 हो गया। अब 23 में 11 प्लस करने पर 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। देखो क्योंकि जो एच आता है वो तो 8 पोजिशन पे आता है, तो डब्ल्यू के जस्ट बाद कौन आता है? एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड होता है। तो तीन नंबर्स तो ये हो गए मेरे, ठीक है, कितने हो गए? तीन नंबर्स तो ये हो गए। इसके अलावा फिर मुझे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो ये 8 लेटर्स हो गए। ये कितने हो गए? 8। तो 3 लेटर्स तो ये रहे और 8 लेटर्स मेरे ये रहे, तो 3 प्लस 8 11 करने पर मुझे एच मिला। तो अब एच मतलब मेरा मुझे 8 में फिर से 11 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। फिर तो 8 में 11 प्लस करूंगा तो कितना होना चाहिए मेरा? 17, ठीक है। कितना होना चाहिए 8 में 11 प्लस करने पर? सॉरी, 8 में 11 प्लस करने पर होगा मेरा 19। कितना होगा बच्चों? 19। तो 19 में नंबर पे कौन सा लेटर आएगा आप देखते, ठीक है, 19th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? तो वो आना चाहिए, जैसे कि टी आता है 20th नंबर पे, तो टी से पहले कौन आता है? एस, तो एस होगा मेरा 19, तो एस मेरा 19 हो गया, ठीक है, तो मेरा एस आएगा पहले। तो अब आप देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो कि एस तो कहाँ पे आ रहा है, पहले क्वेश्चन में एस आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है, कि भैया एस इसमें आ रहा है। हाँ, सेकंड चीज होगी कि जैसे काफी लोग कहेंगे सर दूसरी सीरीज को सॉल्व करवाओ, तो दूसरी भी हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रही है। देखो पहली तो हो गई कि पहले में तो एस आ रहा है, सभी स्टार्टिंग के पहले पहले वाले जो हमारे लेटर्स हैं उनमें 11-11 का डिफरेंस चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। कहाँ पे? 11-11 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक में जो है 11 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, फिर 11 का डिफरेंस चल रहा है इस तरीके से, ओके, 11-11 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसके बाद एच के बाद तो हमें क्या मिलेगा? एस। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जी से आर, आर से सी, ठीक है, सी से एन और एन से जो भी आना चाहिए आगे इन दैट फॉर्म, ठीक है। तो उनके लिए देखो जी के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, अगर लेटर को आप देखो तो जी एच आई जे के एल एम, तो ये भी 11 लेटर्स का डिफरेंस यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एन के बाद जो 11 लेटर्स आप देखते हो, ठीक है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V, W, X, Y, Z, ठीक है। तो यहाँ पर N आ रहा है, N के बाद 11 लेटर देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए? Y, ठीक है, S के जस्ट बाद क्या आएगा? Y, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा बन चुका है, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, कभी आप लोग क्या करेंगे सेकंड टर्म निकालेंगे, ठीक है, तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाए, बेसिक फंडास में हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको कोड कर रखा है लेटर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उन चीजों पे हमारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, ओके। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। कंप्यूटर जी फटाफट से इनको बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, ठीक है। अब आपके सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा आ चुके हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब उसको ट्राई करें एक बार। देखिए अब तीन लेटर की सीरीज हो चुकी क्वेश्चंस की, आपको सभी तरह के क्वेश्चंस वहां एनडीए से मिलेंगे। एक लेटर की सीरीज भी मिलेगी, दो लेटर की सीरीज भी मिल सकती है, तीन लेटर की सीरीज भी मिल सकती है। तो वी हैव टू द प्रिपेयर, ठीक है, हमें उनके लिए प्रिपेयर होकर रहना है कि किस तरह के लेटर की सीरीज मिले। ओके, देखो अब तीन लेटर की सीरीज आ गई, तो कॉन्सेप्ट ये चेक करो कि पहले का पहले से ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पहले का पहले के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा, ये चीज को ध्यान रखना।
पहले का पहले के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा तब जाके यहाँ पता पड़ेगा। ठीक है, पहले कोई एक लेटर निकाल लो, उससे भी आपको आंसर मिल सकता है क्योंकि सभी ने अलग आंसर दिए हैं। ठीक है, जब आपको क्लोजली आंसर दिए जाएंगे तो हो सकता है सभी का पहला लेटर सेम हो। ठीक है, पहला लेटर सभी का सेम हो, जैसे यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं मिड वाला लेटर निकालने की कोशिश करते हैं, तीन में मिड का लेटर सेम है, कई लोग क्या करेंगे लास्ट वाला सोचेंगे तो लास्ट वाला सेम है। तो अब देखो पहला सबका अलग है तो पहला वाला आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो एच जे एल एन और उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आना चाहिए, तो एच के बाद जे आ गया, तो क्या मिस हो रहा है ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई मिस हो गया जे आ गया, फिर जे के बाद एल आ गया तो क्या मिस हो गया के। ठीक है, फिर एल के बाद क्या आ गया हमारा एन, तो क्या मिस हो रहा है एम। ठीक है, अब यहाँ पर एन के बाद जस्ट आता है ओ, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों पी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वन चल रहा है सीरीज में, दूसरी सीरीज देखो आप ई जी आई और के और नेक्स्ट व्हाट इज द, तो ई के बाद जी, तो ई एफ जी एच आई जे के बाद एल आता है पर एल नहीं आना चाहिए क्योंकि एल मिस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एम। ठीक है, तो पी एम, तो देख लो पी एम से कौन सा बन रहा है हमारा, एक ही ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड दिन निकालने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहो तो आप लॉजिक ढूंढने के लिए उसको भी देख सकते हो कि भाई इसमें क्या लॉजिक चल रहा है जे एल एन पी। ठीक है, तो यहाँ पे के एम ओ क्यू रह जाएगा फिर आर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पी एम आर क्योंकि ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के दो से भी जो आंसर आएगा फिर वही फिक्स रहेगा देखो। ठीक है, अगर पीएम यहाँ पे है एक ही बार आ रहा है तो फिर किसी और का आंसर नहीं हो रहा होगा, तो पीएम ही आपका जो ऑप्शन बी है वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, तीन लेटर की सीरीज करिए, तीन लेटर की सीरीज में हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं तीन लेटर की सीरीज में। सो नाउ कि अब आपके सामने देखो तीन लेटर की सीरीज का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन तीन लेटर की सीरीज का आपके सामने आ गया है। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से पैटर्न यही होगा Y T O J, इन चार को पहले चेक कर लो। ठीक है, Y T देखो सभी में I तो ऑप्शन में कॉमन आ रहा है, तो दो में E आ रहा है, दो में F आ रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग का कोई निकाल के देखते हैं। ठीक है, और बी आई ए एक में आ रहा है, बी आई एफ एक में आ रहा है। ठीक है, मतलब आई तो कॉमन आने के चांसेस हैं, तो पहला लेटर चेक करते हैं तो उससे कुछ पता पड़ जाए वाई टी ओ और जे। ठीक है, वाई टी ओ और जे ये है, तो देखो अब उल्टा चलते हैं। देखो तो जे के बाद ओ कितनी देर पे आता है, तो जे के बाद आता है के एल एम और एन। ठीक है, के एल एम एन उसके बाद आता है ओ। ठीक है, ओ के बाद आएगा पी क्यू आर एस, उसके बाद आया टी। ठीक है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स के बाद क्या आया वाई, मतलब चार चार लेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो जे से पहले चार लेटर कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो जे से पहले क्या होना चाहिए, एच आई जे आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ई एफ डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो चार लेटर कौन से हो गए, एफ जी एच आई। ठीक है, एफ जी एच आई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी, इसके बजाय आएगा एफ, एफ जी एच आई, उसके बाद आ गया हमारा जे। ठीक है, अब यहाँ से एफ से पहले कौन सा लेटर होना चाहिए, होना चाहिए हमारा ई, कौन सा होना चाहिए हमारा ई। ठीक है, हिसाब से कौन सा बन रहा है हमारा ई बन रहा है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लो सभी में सेम चल रहा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एम ओ के बाद देखिए ओ पी क्यू आर एस टी आ गया। ठीक है, जे के बाद देखिए के एल एम एन आ गया, अब ई के बाद देखिए एफ जी एच आई जे आ रहा है बराबर, तो मतलब हमें पहले नंबर पे कौन मिल जाएगा ई मिल जाएगा, पहले नंबर पे जब ई मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना, ये वाला बनने का चांसेस है क्या, ई आई ई। ठीक है, अब ई दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, हाँ पहला लेटर तो हमारा ई यहाँ पर है और ई कहीं पे आ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ अगर कुछ और लॉजिक यहाँ पे देखना चाह रहे हो, कुछ और लॉजिक लग रहा हो तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई बाकी सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे ए सी ई और जी में क्या लॉजिक है ये चेक करना हो। ठीक है, हम अपने सेकेंड सेकेंड लेटर की बात कर रहे हैं, हर ग्रुप के सेकेंड सेकेंड लेटर की बात कर रहे हैं। तो बी यहाँ पे छूट गया, डी यहाँ छूट गया, फिर ई यहाँ छूट गया, तो
ठीक है सर, डी ई एफ यहाँ छोड़ दिया, एफ के बाद जी और एच छोड़ जाएगा तो क्या जाएगा आई, तो बी के बाद क्या आ गया आई, ठीक है हाँ सर, ई के बाद क्या आ गया हमारा आई, क्लियर, ई के बाद हमारा आई आ गया। फिर लास्ट वाले के लिए चेक कर लो, एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा ये वाला, देखिएगा ध्यान से, एक्स आ गया यू वी डब्ल्यू एक्स, और फिर इसके बाद वाई जेड ए, तो आना तो क्या चाहिए था हमारा आंसर ई आई बी, क्या आंसर आना चाहिए था हमारा ई आई बी, ठीक है, बट व्हाट वी आर देयर कि यहाँ पे ई आई बी नहीं है, बी आई है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अगर आपको वहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो वहां पर बोनस मार्क्स के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, एस सी आर टी की तरफ से जो आंसर फीस दी जाती है उसमें आपको ऑब्जेक्शन भरना पड़ता है आपके आंसर फीस के बाद, ठीक है, और वहां पर ऑब्जेक्शन में आप आंसर लिख सकते हो कि यहाँ पर ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। और एनटीसी में जो स्टेट्स के कुछ स्टेट्स में क्वेश्चंस में बोनस में जाते हैं, ये चार पांच क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट में बोनस रहते हैं, पार्ट वन पार्ट टू के अंदर भी, ठीक है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि एससीईआरटी का वर्किंग कैसा है वहां पर, ओके। तो हमारे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है बच्चों ई आई बी, क्योंकि ई आई है, ठीक है, हमारा आंसर क्या रहा है ई आई बी, जो कि हमने पैटर्न से निकाला है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, सो कंप्यूटर जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए अब ये एक मिक्स क्वेश्चन हो गया, मिक्स क्वेश्चन मतलब कि इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए और इसमें दूसरा क्या आ गए, इसमें नंबर्स भी हमारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं और नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो अल्फाबेट्स का एक अपना लॉजिक होगा, नंबर्स का एक अपना लॉजिक होगा, ठीक है, तो पहले अल्फाबेट्स के हिसाब से सोचो, उसे नंबर्स के हिसाब से सोचो, थ्री से गए फाइव पे तो कितना प्लस हुआ टू, फाइव से गए एट पे कितना प्लस हुआ थ्री, ठीक है, मतलब हर नंबर में वन वन प्लस होता जा रहा है, तो अब कितना होना चाहिए फिर सिक्स से, मतलब ट्वेल्व हो रहा है तो प्लस फोर, ठीक है, अब ट्वेल्व के बाद अगर किसी नंबर में जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे फाइव, ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन, अरे बोलिए यहाँ पे सेवनटीन तो तीन जगह पे आ रहा है क्या है, ठीक है, अब बाकी को चेक करो, ठीक है, बाकी चेक करो, तो अगर मैं इसको देखूँ सी से एफ देखूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी काफ़ी ज़्यादा में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन थोड़ी चेंज देती है, ठीक है ना, सेवनटीन को तीन जगह पे आ रहा है, पी सी एफ आई एल, ठीक है, तो C के बाद आता है D और E, तो वो स्किप हो गया और F आ गया, F के बाद आता है G H फिर आया गया, I के बाद आता है J और K फिर L आ गया, ठीक है, अब L के बाद देखिए L के बाद क्या होगा, L के बाद स्किप होगा M और N, ठीक है, L के बाद M और N, तो क्या आ जाएगा हमारा O, 17 के बाद क्या आ जाएगा हमारा O, ठीक है, तो X 17 O हमारा ये होना चाहिए, चलो एक बार देख भी लेते हैं आगे वाली सीरीज सही की गलत है, क्योंकि पहले वाले में तो गलत ही कर दी थी, पी आर टी बी, ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी यू बी और यहाँ पे क्या जाएगा डब्ल्यू के बाद एक्स, ठीक है, तो पहले नंबर का जाएगा एक्स, फिर 17, फिर ओ, क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। सो नाउ अब हमारा टर्न आ चुका है, हम लेटर सीरीज की तरफ बढ़ने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी तक हमारा पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है अबाउट द लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज हमारा काम कम हो चुका है, अब हम आने वाले हैं रिपीटिंग द पैटर्न सीरीज के ऊपर, और वहां पे हम डिस्कशन करेंगे काफी बढ़िया बढ़िया पैटर्न्स के ऊपर, थोड़े से तड़केदार पैटर्न्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से दो क्वेश्चन आपको आएंगे वहां पे क्वेश्चन के एग्जाम में, ठीक है, एनटीसी में और जो स्टेट बोर्ड सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ द लेटर सीरीज, ठीक है, देखो लेटर सीरीज के क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पर लेटर सीरीज के क्वेश्चन में आ गए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बच्चे स्किप कर देते हैं, पता नहीं आ ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पैटर्न वाइज होते हैं, मतलब इनको अपन दो नाम दे सकते हैं, ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, पैटर्न क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, या पैटर्न सीरीज होती है, यहाँ पर पैटर्न सीरीज होती है, ठीक है, पैटर्न सीरीज होती है, ठीक है, पैटर्न सीरीज होती है या रिपीटिंग टर्म्स होते हैं, रिपीटिंग टर्म्स होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, तो तीन तरह की बातें इस क्वेश्चन के अंदर पाई जाती है, रिपीटिंग सीरीज, रिपीटिंग पैटर्न्स, रिपीटिंग टर्म्स, ओके। अब यहाँ पे जो आपको टर्म्स दी जाएंगे, पहले सबसे पहले उनको काउंट कर लीजिए, सिर्फ स्टेप वन देखो, उसको सौ के तरीका, पहले स्टेप वन देखो, पहले सारे टर्म्स को काउंट कर लो, जो ब्लैंक्स उनको भी काउंट कर लो, काउंट करने का तरीका ये है कि सबके ऊपर नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है, अब जब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना उसका एक तरीका रहेगा, या तो वो 12 लेटर की सीरीज होगी,
ठीक है, या वो 15 लेटर की सीरीज होगी, या वो 16 लेटर की सीरीज होगी, या फिर वो 18 लेटर की सीरीज होगी, या फिर वो 20 लेटर की सीरीज होगी, ठीक है, या फिर वो आपके 21 लेटर की सीरीज होगी, ठीक है, इस तरीके की सीरीज हो सकती है। ठीक है, अगर 12 लेटर की सीरीज है तो आप उसको क्या करोगे, 3 3 के 4 पेयर बना दो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे 3 3 के 4 पेयर बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 4 4 के 3 पेयर बना दूँ, 3 3 के 4 पेयर या 4 4 के 3 पेयर, मतलब इनको 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दूँ। अगर मुझे 15 लेटर की सीरीज आ रही है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 3 3 के 5 पेयर बनाऊ या 5 5 के 3 पेयर बनाऊ, ये समझ लेना। जैसे 3 3 के 4 पत्र, मतलब 3 टर्म्स एक साथ ले लेंगे, ठीक है, 4 पैक, ठीक है, तो 3 3 के 4 ग्रुप बन गए, और 3 3 के 5 पेयर का मतलब मुझे 3 के जो पेयर 5 टाइम लेने पड़ेंगे। अगर 16 टर्म्स आ रही है तो 4 4 के पेयर 4 टाइम्स, और कभी कभी इसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस आएगा जिसके अंदर आपको लिखना होगा 5 टर्म्स के 3 पेयर और 1 टर्म निकल जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस होता है। 18 अगर आ रहा है, 18 अगर लेटर्स हो रहे हैं, तो वहां पे 3 3 टर्म के 6 पेयर्स बनते हैं, कितने बनते हैं, 6 पेयर्स, 3 3 टर्म के 6 पेयर्स वहां पे बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है 3 3 टर्म्स का, ठीक है। 20 है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे 4 4 के 5 ग्रुप्स बनेंगे, 4 टर्म के 5 ग्रुप्स बनेंगे। 21 है तो 3 के कितने बनेंगे, 7, 3 3 के, और 25 है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर 24 है तो 4 के 6 ग्रुप, और 25 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है वहां पे, वहां 5 के 5 ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्रुपिंग होगी, मतलब हमें ग्रुप्स पहले तो सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि कितने लेटर्स हम लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है, लेटर्स काउंट करने के बाद ही हमें पता पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे इसको करेंगे, तो इसके लेटर काउंटिंग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो लेटर, सबसे पहले आपका स्टेप 1 है कि लेटर काउंटिंग करना इसके अंदर, ठीक है, तो लेटर काउंट कर लीजिए आप। तो आपने लेटर काउंट कर लिए, हम लोगों ने यहाँ पे कितने लेटर हो गए, 12, ठीक है, 12 लेटर हो गए। अब 12 लेटर हो गए, या तो हम इनको 3 3 के 4 ग्रुप में डिवाइड कर दें, या 4 4 के 3 ग्रुप में हम इनको डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब जो इसमें सबसे पहले क्या है, जो सबसे कम खाली है उसको भरने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने सबसे कम खाली है, ठीक है, ठीक है, ये वाला सबसे कम खाली है। देखो यहाँ बी के बाद आ रहा है सी, और यहाँ पर सी आ रहा है, और यहाँ पे सी आ रहा है, इससे पहले यहाँ क्या आ रहा है, बी, यहाँ बी ट्राई करो, ठीक है, सॉरी हाँ वो नहीं, यहाँ पर बी आ चुका है, हाँ बी ट्राई कर दिया, तो बी बी सी हो गया, तो यहाँ पर ये ए बी सी हो गया, ओके। तो बट कुछ जम नहीं रहा, देखो ये वाला पैटर्न इसमें जम नहीं रहा है, हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सोचो सोचो कि एक जैसा कुछ ग्रुप बने वहां पे, ठीक है, एक तरह का कुछ ग्रुप बने वहां पे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बी, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ बी, ठीक है, बी लिखा, और यहाँ लिखा फिर मैंने बी, ठीक है, तो ए बी सी हो गया, ठीक है, तो मतलब ये ए बी सी का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, अच्छा, फिर यहाँ ए बी सी चाहिए, तो यहाँ ए, और यहाँ पे हमें चाहिए सी, तो मतलब ए बी सी का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कुछ बच्चे इसको 4 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ए बी बी ए सी करके आंसर आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, 4th वाला ऑप्शन यहाँ तो करेक्ट हो रहा है, बट हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके टर्म्स को हमें देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो वहां पे आंसर अलग आएगा, वो चेक करना कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 के ग्रुप में चेक करना कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके। सो नाउ कि अब वो करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको और भी क्लियर होगा, ओके। सो नाउ अब हम देखो कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम स्टेप काउंट, सो इसकी टर्म्स काउंट कर लेंगे, इसके ब्लैंक्स भी हमें काउंट करने हैं, ब्लैंक्स काउंट करने के बाद डिवाइड कर देंगे कि उसका उसके टेबल उसमें 3/4 का होगा कि 4/3 होगा, 5/3 होगा, उसके हिसाब से हम काउंट करके उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे देखो डिस्कस करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, देखिए अब इसको आपको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को आपको ट्राई करने की कोशिश करें कैसे होगा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू, देखिए फिर सबसे पहले स्टेप 1, पहले आप काउंट कर लो कि कितने लेटर्स हैं, सबसे पहले देखिए जो लोग समझ गए हैं वो वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आप लेटर्स काउंट कर लो, छोटे बच्चे की तरह काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे। देखो तो 12 लेटर है, ठीक है, तो क्या करोगे, 3 3 के पेयर बना लो, ठीक है, 3 3 के पेयर बना लो, 1 2, ठीक है, 1 2, इसके बाद ये 3, तो 3 3 टर्म के 4 पेयर बन गए, ठीक है, 3 3 टर्म के 4 बन गए, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ए ए बी, ठीक है, कुछ एक जैसा लेटर ही आने के चांसेस लग रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ,
तो ए भी दिखेगा, और मैं यहाँ बी कर दूँ तो बी ए भी दिखेगा, और यहाँ बी कर दूँ तो बी ए भी दिखेगा, और मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ओनली ए तो ए ए बी, मतलब मुझे जो दिखेगा वो ए ए बी, फिर ए ए बी, फिर से ए ए बी, और अगेन ए ए बी, मतलब एक ही पैटर्न मेरा चल रहा है, ए बी ए बी ए बी और ए बी, ठीक है। सो मतलब एक जैसा मेरा पैटर्न दिख रहा है, मुझे मुझे सीक्वेंस सेम दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर ए आ जाना चाहिए, फिर यहाँ बी आ जाना चाहिए, फिर यहाँ बी आ जाना चाहिए, फिर यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए की कोशिश है हमारी, फिर यहाँ पर हमारी बी की कोशिश है, फिर बी, फिर ए। देखिए टर्म्स ये जो देखिए आपके जो बन रहा है पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरा, हाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब पहले में ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें एस है, तो ये हमारा ऑप्शन डी दे रहा है। काउंटिंग करिए, डिवाइड करिए, फिर पैटर्न को चेक करिए, क्वेश्चन का आंसर मिलना काफी एकदम संभावित है वहां पे, ओके। तो स्टूडेंट्स हम आगे हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही चीज की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे हमारी टर्म्स को, ठीक है। हम टर्म्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, देखिए तो टर्म्स काउंट होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थ्री, हमें फिलर्स भी काउंट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 and 12, ओके। ये हमारे पास टर्म्स यहाँ पे मिल रही है हमको, ओके। तो 11, 12 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर हो रही है। अब आती है बात आगे की, देखिए अब 12 टर्म्स है तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि काफी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि भाई ये 12 ओवर की टर्म है तो या तो हम 3, 3 के 4 पेयर्स बना लें, या फिर हम 4 के 3 पेयर्स बना लें। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि 3, 3 के 4 पेयर बनाने से क्वेश्चन करना आसान रहता है, ठीक है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके लेवल पे एनटीसी में आते हैं उनमें 3, 3 के 4 पेयर बनने पर काफी ज्यादा इजीली बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 3, 3 के 4 पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक पेयर बना दिया ये वाला, ये दूसरा पेयर 3 का, ये तीसरा पेयर 3 का, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, कुछ पैटर्न्स यहाँ पे ना आपको दिखेंगे, मतलब इस तरीके से, जैसे ये वाला जो है वो लिखा है BBA, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दोनों B और A, तो यहाँ पर B और A दिख रहा है, मतलब इसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन अगर है, तो अगर यहाँ B आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर B रिपीट करेगा, ठीक है, पहली बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर A और A आ रहा है, ठीक है, A और A आ रहा है, और यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों के अगर एक रिलेशन यहाँ बन चुका है तो ऑब्वियसली कि इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बनेगा, ठीक है, पैटर्न बनेगा। तो यहाँ बी है, तो यहाँ बी है तो ऑब्वियसली यहाँ बी हो जाएगा, और फिर यहाँ ए है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ए बी बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, देखिए ए ए बी, ए ए बी, बी बी ए, तो दिस पैटर्न इज फॉलो ही किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमारी स्टेप थी कि हमें सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे हम सबसे पहले कि कितने हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर चार चार से करते हैं, अगर चार चार से करते हैं तो हो सकता था आपका पैटर्न ना बन रहा हो, और या फिर आप अगर आंसर निकाल रहे होंगे तो वो ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं पहले से सोच समझ के बनाए जाते हैं कि वो बच्चे किस तरीके से उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए मेरा टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, फटाफट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनटीसी क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पे बच्चों। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया हम, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन चल रहा है हमारा बच्चे तरीके से। हाँ अब यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, खुद का दिमाग लगाएं कि क्या पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो उन चीजें के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा स्टार्ट करें, ठीक है। खुद के बारे में खुद एनालिसिस करें क्या पैटर्न बन सकता है, और स्टेप सबसे पहली स्टेप जो है आपके मुझे आपको बतानी है वो है कि भाई क्या करना है हमको, पहले जो हमें लेटर्स दिए हैं फिलर्स के साथ काउंट कर लेना है, ठीक है। 1, 2, 3, देखो छोटे बच्चे उधर काउंट कर लो, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है 15 है। अब 15 है तो 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 और 5, या तो 3, 3 के 5 पे, या 5, 5 के 3 पे। तो सबसे पहले आप स्मॉल वाले चलो, मतलब कि 3, 3 के 5 पे, मतलब 3, 3 लेटर्स के 5 ग्रुप्स बना लो, ठीक है, 3, 3 लेटर्स के 5 ग्रुप। तो ए ग्रुप, ये मेरा दूसरा ग्रुप, ये मेरा तीसरा ग्रुप, ये मेरा चौथा ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ध्यान से, ठीक है, कि मेरे ग्रुप तो सारे कंप्लीट हो गए, किसी का किसी से रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर अगर देखूं ध्यान से तो पहला में आ रहा है ए ए, ठीक है। फिर यहाँ पर हो रहा है कितना, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपको अगर दिख रहा होगा तो, हाँ कोरिलेशन बन सकता है फर्स्ट का थर्ड से या सेकंड का फोर्थ से, ऐसे थोड़ा आप सोचना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। हाँ थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, या फिर हमारा इसका रिलेशन इसके साथ बनता हो तो वो तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। ऐसा भी हमारा यहाँ पे कोई तरह का रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें। ओके अब क्या करा जाए भैया, अब कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब एक काम में करते हैं सर कि यहाँ पे अगर देखिए अगर लेटर सीरीज है तो ये बात हो सकती है कि लेटर जो होंगे रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी जो सीरीज है उसमें केवल दो ही लेटर्स हैं ए और बी, उसी पे बने हुए हैं, या तो ए आएगा या बी आएगा, मतलब जो फिलअप्स है उसमें ए या बी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ तो अगर मेरा इस सीरीज का कनेक्शन इसके साथ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या आना चाहिए ए, क्लियर है। और मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो यहाँ पर जो बी है तो ऑलरेडी यहाँ बी, तो इन दोनों सीरीज का आपस में क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। इस सीरीज का जो टचअप है वो इस पैटर्न के साथ चलेगा और इस वाले टर्म का जो पैटर्न होगा वो इसके साथ चलेगा। तो मेरे को क्या मिल रहा है ए बी, फिर से ए, फिर से बी, ठीक है, ए बी ए बी। तो मेरे ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली हमारा कनेक्टिविटी होगी, हो सकता है एक टर्म छोड़ के भी कनेक्टिविटी हो। अब देखिए यहाँ पर इसका इसका किसी से कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, इन चार टर्म्स का ही आपस में कुछ कनेक्टिविटी लगा है। आगे जाके जो टर्म्स बढ़ेगी तो हो सकता है कि फिर कनेक्टिविटी हो, ठीक है। पर इसका रिलेशन हमें यहाँ पे दिखा और इस वाले रिलेशन हमको इससे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सो नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ एकदम ब्लेंडर कर देगा ये आपको, क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ गए, देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने की बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करनी है आपको यहाँ पे, कैसे बनता है, क्या बनता है, किस में किस तरीके से क्या चीजें अप्लाई करनी है हम लोगों को, और सब चीजें हमें यहाँ पे ट्राई करनी है। और बेसिक है कि सबसे पहले हमें काउंटिंग कर लेनी है, ठीक है, क्या कर लेनी है बच्चों, काउंटिंग कर लेनी है। तो काउंटिंग को सभी कर ही लेनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। काउंटिंग करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब कितने हो रहे हैं ये, 16 हो रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है अगर 16 हो रहे हैं तो 16 का जो फैक्टर होगा वो होगा आपका 4 × 4 का, ठीक है, और एक दूसरा हो सकता है 8 का, पर आप यहाँ पे 4 4 जाए अप्लाई करो कि 4 के 4 पेयर बनाओ कि 8 के 2 पेयर बनाने की जगह पे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है इसलिए। अब ध्यान समझिए, तो 4 के पेयर बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, एक बन गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 बन गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ओके। अब ध्यान से आप समझिए इसको कैसे करेंगे, देखो अब कुछ रिलेशन आपको जो दिखेगा तो पहले जो सबसे कम भरा हुआ है उसके पास जाइए, ठीक है। अब यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, ठीक है, है ना, और फिर यहाँ पर भी बी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तीन जगह बी आ रहा है, और फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, और इस जगह पर आ रहा है बी, ठीक है, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पे बी। तो अगर मैं यहाँ बी लगा दूँ तो बी ए ए बी करके कुछ बनेगा, ठीक है। तो ए वाला लेटर अगर यहाँ देखा जाए तो बी ए ए बी फिर से बन रहा है, अरे अच्छा बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। देखो तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, बी ए ए बी, ठीक है, मतलब बीच में तो एक ही सीरीज बार बार रिपीट होगी यहाँ पर, बी ए ए बी, फिर से बी ए ए बी, फिर से बी ए ए बी, ठीक है, एकदम प्रतिदार क्वेश्चन था, ओके, बी ए ए बी। तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि किससे कनेक्टिविटी हम बना सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो उस पर जाइए जो कम फिलअप हो, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग सोचिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या भरना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें बी, फिर से बी, ओके, फिर ए भरना पड़ा, फिर ए, फिर बी। तो ये वाला पैटर्न कहाँ दिख रहा है, देखिए आप, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है, कहाँ दिख रहा है बेटा, ये ऑप्शन ए में, किसी और ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ऑप्शन सी में भी रिपीट हो रहा है, ओके। तो बहुत ऑप्शन आप करेक्ट, अगर एग्जाम में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है तो ये मानिए कि आपके लिए आंसर की होगी, जिसमें दोनों ऑप्शन जो होंगे वो सही रहेंगे, ठीक है। अगर एक ही आंसर जो है अगर रिपीट हो रहा है एग्जाम के अंदर तो इन एग्जाम की जब आपके आंसर की होगी दोनों ऑप्शन वहां पे दिए जाएंगे कि ए और सी, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए, देखिए हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एकदम तड़ाके फड़ाकेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है इसके, देखिए है ना, पूरे चांसेस है इसके पूछे जाने के किस तरीके से करेंगे। और इसमें मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से सोच सके क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, 5 ऑप्शंस मैंने इसके अंदर रखे हैं। देखिएगा वीडियो को पॉज करके आप लोग करिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो लोग मटेरियल लेना चाहते हैं हम लोगों से वो कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
सबसे पहले हम स्टेप वन में करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो लेटर्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो 17 लेटर्स हैं। एक बार मैं फिर से काउंट करता हूँ, शायद मैंने गलत कर लिया। 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक 3 हो गए, फिर ये 6 हो गए, फिर ये 9 हो गए, फिर ये हो गए मेरे 12 और ये हो गया 4 16। मतलब मेरे पास 16 लेटर्स है। तो अगेन मतलब 16 अगर मेरे पास यहाँ पर लेटर्स हैं तो मतलब ये 4 4 का एक तरीके से स्टोर बनेगा, 4 का 4 का, ठीक है, MNO, ये फिर से 4 का और ये फिर से 4 का, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ M, फिर यहाँ N, फिर यहाँ O, फिर P, ठीक है, फिर N, फिर O, फिर P, मतलब यहाँ पर जो टोटल्स लेटर्स है वो है M, N और O, P। हमारे पास केवल 4 लेटर्स है, वो है उन्हीं को हम आगे पीछे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई एक सेम पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब कि जो देखा जाए, ठीक है, सेम पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, देखो M के बाद जैसे जस्ट आ गया N, ठीक है, यहाँ सेकंड में, फिर N के बाद आ गया यहाँ पर O, ठीक है, O के बाद आ गया यहाँ P, ठीक है। अब M M की पोजिशन हो गई, ठीक है, अब N से स्टार्ट किया तो N से क्या आ रहा है, O, ठीक है, O से आ रहा है फिर P, P के बाद वापस से किस पे आएगा, M पर, मतलब ये चल कैसे रहा है, ऐसा समझो ऐसे चल रहा है M, N, O, ओके, और P। अगर M के बाद N आना है, ठीक है, तो फिर N के बाद फिर अगर N के बाद अगर N आएगा तो फिर N के बाद O आना है। देखिए ध्यान से, M के बाद अगर N आया तो फिर N के बाद O और O के बाद फिर P। तो अगर हम N से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे N से स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर O आ गया, तो N के बाद O, फिर O के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, P, ठीक है, और P के बाद क्या आना चाहिए, M। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से आप, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अब आप, ठीक है, यहाँ P आ रहा है तो P के जस्ट बाद आना चाहिए M, ठीक है, तो P के जस्ट बाद M कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है, तो यहाँ P आ रहा है, यहाँ सोचते हैं यहाँ M आ रहा होगा, ठीक है, फिर M के बाद क्या आएगा बेटा, आगे N, ये N आ गया, फिर लास्ट में क्या आ गया, O, क्या आ गया बेटा यहाँ पे, O। मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और वो जो है लेटर जो है उस ग्रुप के अंदर दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, जैसे M, N। अब आना क्या चाहिए यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O, ठीक है, क्या आ जाएगा, O, M, N, O, P, ठीक है, O, P, फिर P के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट लेटर तो N आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चार में से कौन नहीं आ रहा है ये भी देख लें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, तो M नहीं आ रहा है, तो O, M, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, M और यहाँ पे N, ठीक है, तो O, M, M, N, तो ये लेटर का सीरीज हमारा बन सकता है। देखिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, पहले आप इसको चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं लेटर्स पहले काउंट कर चुके हैं, तो 16 लेटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चार चार में काउंट कर दिया, फिर बताया एक साइकिल चल रहा है, एम से एन का, फिर एन से ओ का, फिर ओ से पी का, फिर पी से अगेन एम का, ऐसा साइकिल चल रहा है, ठीक है, एम आ गया, फिर एन आ गया, फिर ओ आ गया, फिर पी आ गया, ठीक है। अब एन से स्टार्ट करो तो एन के बाद क्या आना चाहिए इस वाले पे, तो ओ आ रहा है, ओ के बाद क्या आना चाहिए, पी आ रहा है, पी के बाद अगेन क्या आएगा, एम आ रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो अगर पी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पी के बाद क्या आएगा, पी, तो पी के बाद जस्ट आना चाहिए साइक्लिक फॉर्म में एम, ठीक है। अब एम के बाद जस्ट क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है, क्या एन रिपीट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, अगर हम साइक्लिक फॉर्म चलाएं क्या एन रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम रिपीट करते हैं यहाँ पे एन, ठीक है, और यहाँ पे एन रिपीट कर दें तो एन के बाद फिर वापस से क्या आएगा यहाँ पे, ओके, तो पी एम एन ओ, अच्छा फिर हमने यहाँ पे ओ लिख दिया, चलो ठीक है। अब फिर क्या बचा हमारे पास आगे देखो, ठीक है, अब आगे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था फिर हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, तो एम से जस्ट पहले देखो क्या लिखना चाहिए था, पी, ठीक है, तो पी एम एन ओ कहीं बन रहा है क्या हमारा, पी एम एन ओ बन रहा है, कहाँ बन रहा है भैया पी एम एन ओ, तो ये हमारा पी एम एन ओ एक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें एक चीज वो भी हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट ये होंगे कि इसमें जो सीरीज बन रही है वो ऐसे हो रही है एम एन और ओ पी की, ठीक है, मतलब ये चार लेटर्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, तो कई बार ये कहते हैं कि सर जैसे यहाँ पर एक लेटर मिस है तो यहाँ ओ आ जाएगा एम एन ओ पी, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेटर मिस है तो एम आ गया, फिर यहाँ पे लेटर मिस है तो यहाँ पर एम आ सकता है, ठीक है,
यहाँ पे तो एम की जगह एम ही लिखा, ठीक है, मिसिंग जो दिख रहा है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एन, ठीक है, क्या लिख देंगे एन, तो ओ एम एम एन, ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो दिख रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। ओके, अब करेक्टली जो जाना चाहिए आंसर हमारा, ठीक है, तो कई बुक्स में क्या है कि जो ऑप्शन ए है, ठीक है ना, वो गिवन है, ऑप्शन ए जो है वो गिवन दिया जाता है, ठीक है, कारण उसका ऐसा है कि उनका मानना होता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो चार लेटर्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं आगे पीछे, जो चार लेटर्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक का उन्होंने साइक्लिक पे कोई जोर नहीं दिया, उन्होंने बताया कि जो चार लेटर्स है उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, सही से फिलअप कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं को अच्छे से हम क्या करे जा रहे हैं, फिलअप करे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे एम एन हो गया, फिर उसके बाद ये लेटर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर एम आ गया, तो मतलब हर एक प्लेस पर एक ऐसा चार में से वो लेटर लिखना है जो जो आपको वो सीरीज बनाता है, जैसे एम एन ओ पी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिस है चार में से, वो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे से क्या मिस है, एम मिस है, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एम यहाँ पर मिस है वो लिख दिया, ठीक है, तो वो सीरीज जो है बनाएगा कौन, वो बना रहा है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर होगा इसका ये होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, तो जब हाँ एक्चुअली ये जो एनालिसिस है वो क्वेश्चंस को करने पर होगा कि आप वहां पर क्या रखना चाहेंगे, ऑप्शन बी रखना चाहेंगे कि ऑप्शन ए रखना चाहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और है ये हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तोड़ फोड़ के कर दो इसको बहुत जोरदार तरीके से, फटाफट से बनाइए एकदम, कंप्यूटर जी ने आपके सामने क्वेश्चन ला के रखा है। देखिए जब तक कि आप मुश्किल सवाल नहीं करेंगे तब तक आपके जो है बुक्स पढ़ने की आपकी हैबिट नहीं पड़ेगी, मुश्किल सवाल आपको करने पड़ेंगे तभी बुक्स पढ़ने की हैबिट पड़ेगी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमें पता पड़ेगा कि किस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं वर्क करना। मैं सबसे पहले काउंट कर लेता हूँ कितने कितने सीरीज है, देखो ये 4-4 है, ये 4-4 के मतलब 16 है टोटल, ठीक है, 16 दिख रहा है मेरे को, तो मैं 4-4 के पेयर्स बना देता हूँ और ये 4 बना लिया, ठीक है, देखो यहाँ पर बी ए ए सी लग रहा है, यहाँ पे भी बी ए ए सी लग रहा है, ठीक है, बी ए सी, ओके, और दूसरा देखो सी बी ए, ठीक है, सी बी ए, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर जो होगा वो रिपीटेटिव होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ जो होगा यहाँ पे रिपीटेटिव होगा, तो अगर मैं यहाँ पर देखो अब इसमें क्लू क्या देखना सकते हैं हम, क्लू देखने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर तो क्लू ये हो सकता है कि यहाँ सी आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई प्लेस मिल रहा, ये वाले दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट तो हमको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, अब चेंजेस कहाँ पे आ सकते हैं, देखिए चेंजेस कहाँ पे आ सकते हैं उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो चेंजेस कहाँ आ सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ पैटर्न फिल करके देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बी पैटर्न को फिल करा, पहले बी पैटर्न फिल करा, ठीक है, यहाँ बी पैटर्न फिल किया, यहाँ बी पैटर्न फिल किया, ठीक है, तो बी बी एसी बन गया ये यहाँ पे, ठीक है, ओके बी बी एसी बन गया, उसके बाद तो ये देखो कि फर्स्ट और लास्ट पे बी कोई अप्लाई हो रहे हैं क्या, ऑप्शन में देखो फर्स्ट और लास्ट पे बी कोई अप्लाई हो रहे हैं क्या, हाँ भाई हो रहे हैं यहाँ पे ये वाले, ठीक है, हाँ ओके, तो इनके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए फिर बाकी में, अब ये अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी और फिर ए, ठीक है, ए बी और फिर ए, ठीक है, तो मतलब है तो सीरीज हमारे तीन लेटर्स की ए बी और सी, तीन लेटर की हमारी यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बी भर देते हैं, ठीक है, बी भर देते हैं तो बी बी ए सी बना, फिर यहाँ भर देते हैं ए और बी तो एस सी सी बी बना, ठीक है, फिर यहाँ भर देते हैं हम लोग यहाँ फिर कर देते हैं क्या ए को, तो सी बी ए बना, सी बी ए बन गया, फिर यहाँ अगर बी भर देते हैं तो बी बी ए सी बना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ लेटर्स हमारे यहाँ पे अच्छे खासे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हाँ कुछ मतलब देखिए लेटर्स का जो रिपीटेशन हो रहा है वो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, एक पैटर्न तो हमारा जो हमने देखा कि वो रिपीट पाया गया, कौन कौन सा, फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला हमारा पैटर्न यहाँ पे रिपीट पाया गया, ठीक है, और एक सेकेंड से, हाँ देखिए ये वाला जो है ये वाला कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, तो पहले आपको इसकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी कि ये सेम आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है, तो ऑप्शन से आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, मुझे कमेंट में आंसर भी कर सकते हो तुम इसका अच्छे से, ठीक है, मैं तो इन डर रहा हूँ कि फर्स्ट और थ्री है, ठीक है, हाँ पहले दो के ऑप्शन अच्छे से अरेंज करो, ऑप्शन से भी बना सकते हो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप ऑप्शन से भी, ओके, एज अ होमवर्क ये मान भी चलो क्वेश्चन को, ठीक है ना, छह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये सात तुम्हारे लिए होमवर्क में ही है एक तरीके से, ओके स्टूडेंट,
बात समझ में आ रही है? आंसर कमेंट करना जिसको आंसर आ जाए, फिर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम, वो तो आपके लिए होमवर्क हो गया, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, देखो ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले काउंटिंग करो, स्टार्ट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और फिर यहां से यहां तक में 5 20 24, ठीक है। 24 है यहां पे टोटल, तो 24 है तो हम क्या करेंगे, 4 4 के 6 पेयर बना लेंगे। एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ये आपका तीसरा पेयर, चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर। हमने ऐसे 5 पेयर बना लिए यहां पे। देखो एक बार क्लीनली मैं बताता हूँ क्या क्या पेयर बनाने आपको यहाँ पे। एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, दूसरा पेयर आपका ये बन गया, ओके, और ये पेयर बन गया आपका, और फिर ये पेयर ये बन गया, ठीक है। हमने इसे पेयर बना दिया। अब यहाँ पर लेटर्स हैं ए डी ए बी सी डी, ये चार लेटर्स का ही काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी डी का चार लेटर्स का काम चल रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर सीरीज के अंदर कोई भी जो लेटर्स है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे सी बी डी है, यहाँ पे कहीं पे भी देखो जो लेटर्स है वो वापस एक बार दोबारा आया नहीं है। मतलब इनको क्या करना है कि इनको ए बी सी डी ऐसे भरना है, ठीक है ना, जहाँ पर जिसकी कमी दिख रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखो अगर ए डी बी, ठीक है, यहाँ पे कमी किसकी दिख रही है, यहाँ पे हमें सी की कमी दिख रही है, ठीक है, सी की हमें यहाँ पे कमी दिख रही है, तो सी फिल करो पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो किसकी कमी दिख रही है, तो यहाँ पर बी फिल करो, क्या करो, बी फिल करो। अब यहाँ देखो यहाँ पे किसकी कमी दिख रही है, अगेन यहाँ पर फिर बी की कमी दिख रही है, तो बी फिल करो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ए की कमी दिख रही है, तो हम यहाँ पर ए फिल करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ए फिल करेंगे। और फिर अगेन यहाँ पे किसकी कमी दिख रही है, देखो यहाँ पे फिर से हमें ए की कमी दिख रही है, ठीक है, तो हमें सी फिल करना पड़ रहा है, बी करना पड़ रहा है, बी फिर ए फिर से ए, मतलब चाहिए हमें सी बी बी ए ए, ठीक है। तो देखिए सी बी बी ए ए हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से देखना पड़ेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ए बी सी डी वाले टर्म से उनको आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब हमें चारों लेटर्स चाहिए, हर एक टर्म के हर एक ग्रुप में हमें चारों लेटर्स चाहिए वन वन टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था। ओके बच्चों बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आई एम लिविंग फॉर एज अ होमवर्क, ठीक है, ट्राई करो, मेरे को रिप्लाई करो कि क्या उसका आंसर होगा, ठीक है। और हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई किए, कम्प्लीट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कुछ चीजें पूछनी है तो उसके लिए आप बात कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।